भूत प्रेतों का चक्कर बंद करो, भविष्य की चिंता छोड़ के वर्तमान में अच्छा संकल्प लो, भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते। पिताजी थे, उनके दिमाग में तकलीफ थी, शराब बहुत पीते थे, घर में कोई भी मतलब कोई भी साधन नहीं था हमारे कमाई का, बहुत बुरे दिन थे, लोगों से मांग मांग के रुपए लेके आते थे हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे सब कुछ मिला हमें। सब भक्तों को अपने अपने घरों में घर को ही मंदिर बना करके, माँ बाप को गुरु बना करके उनकी पूजा करनी है। जिन्होंने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया उसको संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। भगवान उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। राम राम जी। मैं अंकिता, कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ, और झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ अमरपुरा गांव के अंदर, जो हमारे राजगढ़ क्षेत्र के अंदर आवे है। तो अठे बताया जाए कि एक बहुत ही पुराना मंदिर है बाबू जी हनुमान जी और भगवती माता को। तो अठे दूर दूर भक्त आवे हैं, हरियाणा पंजाब तक आतक हुआ है। तो अठे बताया जाए कि बांका सारा कष्ट ही जगह दूर हुए हैं, कोई मानसिक रूप बीमार है, भूत प्रेत या बहुत सारी जहाँ विविध प्रकार की अपने समाज के अंदर जहाँ कोई टूना टोटका या की चीजा फैलेड़ी है, तो वह के सही हुआ है। तो आज मैं आई हुई मंदिर के अंदर आप बात करेंगे कि बात चीजा में कितनी सच्चाई है। अठे महन जी बताया जाए कि एक रुपयो भी कोई भक्त को नहीं लेवा, और अठे हजारों की संख्या के अंदर जगह भक्त ही बह आवे हैं। तो आप भक्तों बात करेंगा कि भाई के वहाँ की समस्या है और के समस्या वहाँ की दूर हो चुकी है, और महंत जी ही जगह सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ बाहू भी बात करने की कोशिश करेंगा। लोग समस्या लेके आते हैं मैया के दरबार में, समस्या अकेली समस्या लेके नहीं आते, आस्तिक लोग भी आते हैं जिनकी श्रद्धा होती है भगवान में, तो भगवान को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। तो यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ का दर्शन करते हैं। हमारे सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार यज्ञ एक ऐसा साधन है, उस यज्ञ से बिन मांगे सबको प्रसाद मिलता है। उसी यज्ञ से जो निकलने वाली ऊर्जा उष्मा जो धुआं, उससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। उसी यज्ञ में मंत्रों उच्चारण के द्वारा जो अच्छे से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उस मंत्रों उच्चारण सुनने से व्यक्ति के मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। उसी यज्ञ से निकलने वाली जो ऊर्जा, वो प्रत्येक जड़ चेतन जीव को सुख शांति समृद्धि देती है। हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रथा में यज्ञ को शास्त्रों में सबसे बड़ा महत्व दिया है, इसलिए यज्ञ होता है, जनता आती है यज्ञ का दर्शन करके जाती है और मैया का आशीर्वाद लेकर के जाती है। अब फिर होती है आरती, आरती में देवी देवताओं की आरती में भगत आरती बोलते हैं और ज्योत का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। भाई फायदा किस किस के होता है वो हाथ ऊपर करके बताएं। ये उदाहरण मैं तो करता नहीं, फायदा पहले बता देता, नहीं मुझे करना आता, नहीं तो मुझे फायदा करना आता। मैं तो एक इसी मंदिर का पुजारी हूँ। अपने समाज में हमारे ठाकुर साहब कुशल सिंह जी जो 27 गांव के जागीर थे, राजपुरा गद्दी पर विराजते थे, बड़े पिताजी थे हमारे, उनको आशीर्वाद मिला, उन्होंने मंदिर बनवाया। उसके बाद में चैन सिंह जी, फिर अजीत सिंह जी, फिर आपके सामने हम खड़े। तो यहाँ सबको कहते हैं नशा मुक्ति छोड़ो, अच्छे विचार रखो, और घर से बढ़कर के संसार में कोई मंदिर नहीं। सब भक्तों को अपने अपने घरों में घर को ही मंदिर बना करके, माँ बाप को गुरु बना करके उनकी पूजा करनी है। जिन्होंने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया उसको संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप संस्कार दे देते हैं, उस संस्कार से व्यक्ति को संस्कृति समझ में आ जाती है, और जिन्होंने संस्कृति को धारण कर लिया वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। इन जनता को ये सिखाता हूँ कि संस्कार संस्कृति को जिंदा रख, अंधविश्वास में मत पड़ो, भूत प्रेतों का चक्कर बंद करो, भविष्य की चिंता छोड़ के वर्तमान में अच्छा संकल्प लो, भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। ये प्रचार है, दूसरे बोर्ड लगे हुए जगह जगह, उस पर लिखा हुआ है, यहाँ कोई महाराज जी, कोई पुजारी जी, कोई बाबा जी झाड़ा डोरा नहीं करता, या मैया का स्थान है, श्रद्धा से श्रद्धालु आते हैं, पूजा करके जाते हैं। श्रद्धा जिसकी सुंदर है, भगवान का उपासक है, मैया सुनती है, भगवान उनकी मदद करते हैं। जय हो महाराज। मैं तो इतना तो जरूर कहता हूँ कि कोई बीमार है, दवाइयाँ ले रहा है, और दवाई बीमार पर लेनी चाहिए, और दवाई लेते लेते व्यक्ति अधिक तकलीफ में, तो उसको दुआ प्रार्थना भी करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि दुआ प्रार्थना से भी व्यक्ति को आत्मबल मिलता है, आत्म शक्ति मिलती है, और प्रभु की कृपा भी मिलती है। ऐसा है नंबर की बात, स्पेशल ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिन नंबर से मेरे द्वारा भला होता हो। आप घर से चले श्रद्धा लेकर के,
आपकी श्रद्धा भगवती माँ सुनती है, और इसकी और आपकी अगर दोनों की बात एक है तो मेरे नंबर को कौन पूछता है? क्यों बेटा, भगवान में आपकी श्रद्धा है तो हम तो एक पुजारी हैं। इतना मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, कोई मिल भी लेता है, कोई नहीं भी मिलता, लेकिन यहाँ झाड़ा नहीं लगाया जाता, टूने टोटके नहीं सिखाए जाते, तांत्रिक क्रिया नहीं है। यहाँ एक हमारे पूर्वजों से बाबूजी महाराज जो हमारे कुल देवता हैं उनकी पूजा होती है, और वो पूजा सुबह शाम आरती होती है, आरती के लोग दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेकर के जाते हैं और भगवान उनकी पुकार सुनते हैं। अब वो उनकी श्रद्धा है, उनकी कैसी आस्था है, और उनकी जैसी आस्था है भावना नर की हो जैसी, प्रभु मूर्ति दिखे वैसी, जैसी भावना होती है वैसा दिखता है। तो यहाँ सुंदर भावना के लोग आते हैं तो भगवान सबकी पुकार सुनते हैं, हमारी तरफ से सबको जय माता की। धाम के नियमानुसार मेला लगता है नवरात्रों में और भादुओं में। नवरात्रों में एक कम से नौवीं तक यज्ञ होता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और भादुआ में एक कम से नौवीं तक रामायण जी की कथा होती है, और पूर्णिमा को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो लोग तो हमेशा आते जाते रहते हैं, मेला ही लगता है, लेकिन बड़ा मेला नवरात्रों में लगता है माता का, और बाबूजी महाराज का मेला लगता है भादुआ की नौवीं को, क्योंकि बाबूजी महाराज का जन्म दिवस भादुआ शुक्ल पक्ष नौवीं को मनाया जाता है। तो साल में 5 बार मेले लगाए जाते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप कितने साल से यहाँ रहे हो? 18 साल हो गए। क्या दिक्कत थी थारा शुरू का? पहले मेरे पिताजी जो है शराब पीते थे, हमारे घर में सारे मतलब सब तरीके से दुखी दुख थे मतलब। फिर हमारे दोनों भाइयों की नौकरी पे भी नहीं थे, दोनों भाइयों की नौकरी लग गई अच्छी, पिताजी शराब छोड़ गए, और यहाँ पे हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म के बारे में सारी चीज़ें अच्छी बताई जाती हैं। यानी वो कोई भी आदमी यहाँ पे आए उसका नुकसान का तो चांस ही नहीं है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही सीखेगा मतलब। सकारात्मक चीज़ें सारे प्रकृति से रिलेटेड और जीव जंतुओं से रिलेटेड एक इंसानियत की बातें हैं मतलब, सकारात्मक बातें बताई जाती हैं सारी। तो हर आदमी को यहाँ से कम अच्छी चीज़ें सीखने को जरूर मिलेंगी। फायदा तो भगवान को करना होता है, भगवती माँ को करना होता है वैसे तो, और भगवती वैसे सबका ही करती है मेरे ख्याल से, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हर आदमी का यहाँ पे अच्छी चीज़ें हुई मतलब पॉजिटिव धारणा आती है, एक अच्छे विचार आते हैं। ऐसे ऐसी बीमारियाँ यहाँ पे ठीक हुई है लोगों की जो मतलब हम सोच नहीं सकते, जैसे मेदांता जैसे फोर्टीज जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन्होंने मतलब उन चीज़ों को साफ तौर से मना कर दिया था कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, वो चीज़ें यहाँ पे ठीक हुई हैं, हमारी आँखों के सामने हुई हैं। पिताजी थे उनके दिमाग में तकलीफ थी, शराब बहुत पीते थे, घर में कोई भी मतलब कोई भी साधन नहीं था हमारे कमाई का, बहुत बुरे दिन थे, लोगों से मांग मांग के रुपए लेके आते थे हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे सब कुछ मिला हमें। राम राम भाई। राम राम भाई। कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ पे? 8 साल से। क्या दिक्कत थी शुरू में आपके? दारू बहुत पीते थे। ये दारू बहुत पीते थे, यहाँ आने के बाद बिल्कुल छोड़ दी। जो टाबर आये हो कितना साल हुआ था? अभी 1 साल में हो गई। दिन कितना साल हो गया? 1 साल ही हुआ। अभी शादी की सुखना सुखने आए थे बहू को, बहू को मसा टिकाने आए थे, तो इसकी मेरे भी मन्नत मांग के गई थी, मन्नत मांग के ये भी हो गया। 1 साल में 1 साल का भी हो गया, इसका भी हो गया, दोनों ही हो गया। तो भाई थे आज देखिए, आप भक्ताओं भी बात करी, महाराज जीओं भी बात करी, तो आपा ने कुछ हटा के इसो को लगे जहाँ कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक कोई ताबीज वगैरह हटा, इसी कोई शिक्षा को नहीं दिए जा। चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो और वीडियो ने शेयर करो। राम राम जी।